हाय गाइस, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक गुप्ता, साइन अप ऑटो वाले अंकल चैनल। दोस्तों अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, दोनों बाजू में पोस्टर लगा है। दोस्तों मजा आ गया, देखो सलमान खान का और यहां पे सत्यमेव जयते 2 का। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक दिन पहले जो है सत्यमेव जयते 2 आएगी और दूसरे दिन जो है आएगी अंतिम। तो कोई घबराने की बात नहीं है, जो मैं बोल दिया वो होके रहेगा। क्यों? दोनों मूवी कलेक्शन करेगी और बहुत देखने को मजा आएगा। दोनों थिएटर में जो है क्राउड देखने में मजा आएगा, क्योंकि मालूम है जब गुरुवार को देख करके ये आएंगे ना, तो शुक्रवार को जो है ना फ्राइडे को अंतिम देखने जाएंगे, तो अंतिम से छूटने के बाद वापस सत्यमेव जयते देखने बहुत मजा आएगा। क्यों? ये मजा जो है मैं देखा था लगान में और गदर में। सन्नी देओल की मूवी देखने के बाद लगान देखे थे, तो वही क्राउड रहेगा और वो क्राउड बन चुका है, सूर्यवंशी ने बना दिया क्राउड। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कलेक्शन दोनों मूवी करेगी, थोड़ी आगे पीछे चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सलमान खान की मूवी कम बजट की है, नो टेंशन, जितनी भी कमाई होगी हम लोग बटोर के रख लेंगे बॉक्स ऑफिस में। अब रहेगी सत्यमेव जयते की मिलाप जवेरी, तो इनमें जो है जो भी जो आइटम सॉन्ग जो है कुसु कुसु करके, ये जो है पब्लिक के दिमाग में छाया रहेगा पूरे मूवी में, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे स्लो मोशन की तरह, पब्लिक जो गाना रहता है ना स्लो मोशन की तरह दिमाग में चढ़ता है, तो ये पूरे मूवी में जो है ये गाना छाएगा और पब्लिक को पसंद आएगा। अब रहेगा जॉन इब्राहिम का जो काम है, काबिले तारीफ है। वो किसी डायरेक्टर को जो है कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं है, जैसा वो बोलते वैसा कर देते, तो उन्होंने काम अच्छा किया है, देखने में भी मजा आएगा। हो सकता है मैं ही खुद 2-3 बार देख लूँ मूवी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब रह गया अंतिम हमारे सलमान भाई का, तो ये भी भाई देख लूँगा 2-3 बार, कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों ये मूवी दोनों क्लैश हो रही है आगे पीछे, मज़ा आएगा और रिव्यू देने में भी और मूवी देखने में भी। आप लोग भी आइए, मैं भी आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।